नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, और जो लोग इस सीरीज को नहीं देखे हैं, यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। जो लोग इस सीरीज को नहीं देखे हैं, इसके पहले की सीरीज जाकर दे सकते हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री मिनी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। और यह दूसरा मिनी टेस्ट है, छोटा टेस्ट है, 5 क्वेश्चन का टेस्ट है। गागर में सागर भरने का काम किया है हमने आप लोगों के लिए। जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स हरियाणा का ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और वहां पर बहुत सारे कोर्स हैं, उस कोर्स का भी फायदा उठाइए। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कोर्स है, क्षमा करिएगा, 2199। हाँ, 2199 रुपये का कंप्लीट कोर्स है आपका। इसमें पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। आपकी तैयारी को हम धार देंगे, और आपको भविष्य के लिए, भविष्य में प्रवक्ता पद के लिए, प्राध्यापक पद के लिए आपको तैयार करेंगे। आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर हो या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में निकलने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दूसरा मिनी टेस्ट देखिए। दूसरा मिनी टेस्ट है, और यह सभी मिनी टेस्ट आपको उपलब्ध भी मिलेंगे। आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर सभी मिनी टेस्ट आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन, शाहजहां द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैं मान सकता हूं यहाँ पर जो राइटिंग हुई है, यहाँ पर जो शब्द हैं अच्छा लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं, घबराइएगा मत। 1 या 2 टेस्ट के बाद अगला जो टेस्ट बनाऊंगा उसमें आप लोग को काफी क्लियर रहेगा, ठीक है? अभी थोड़ा मैनेज कर लीजिए। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए। इसे अपने वजीर से जान का खतरा था, जिस कारण उसने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में राजधानी से दूर रहा। तो बिल्कुल बिल्कुल भैया, एकदम बिल्कुल, इलाहाबाद में यह रहा, लंबे वर्षों से यह इलाहाबाद में रहा, राजधानी में वापस नहीं आया, ठीक है? इसे बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर इलाहाबाद में रहना पड़ा। बिल्कुल दोनों बातें सही है, 1 एंड 2 दोनों बातें सही है, मतलब विकल्प 3, ठीक है? व्याख्या देखिएगा, व्याख्या इस जान है, जो भी यह सीरीज है उसकी जान आपकी व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन आपको आपको मैं समझा दे रहा हूं, सॉल्यूशन देखिएगा। उपरोक्त तो दोनों कथन सही है। शाह आलम द्वितीय को अपने वजीर से जान का खतरा था, वजीर से जान का खतरा था, अतः वह अपने शासन के आरंभिक वर्षों में अपनी राजधानी से दूर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहा। उसने 1764 में, देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध में भाग लिया था शाह आलम द्वितीय, और उसमें उसकी हार हुई थी। बंगाल के मीर कासिम और अवध के नवाब सुजादौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर की लड़ाई में हिस्सा लिया, और इसमें अंग्रेजों से हार जाने के बाद वह कई वर्षों तक इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन याफ्ता बनकर रहा। कौन? शाह आलम द्वितीय। 1772 में, 1772 का वह दिन याद रखिएगा, 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर दिल्ली लौटा। मराठों ने बाद में मराठा सेनापति था, और उसने, ठीक है, उसने इसको दिल्ली लाया इलाहाबाद से, ठीक है? अंग्रेजों ने 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और तब से लेकर 1857 तक, जब अंतिम मुगल बादशाह रहा, तब तक मुगल वंश एक तरह से बनावटी के रूप में कायम रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 7, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, क्रम थोड़ा बदल गया है। दूसरा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निजामुल मुल्क स्वयं मुगल वजीर का अपना ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया। मुगल वजीर का ओहदा छोड़कर दक्कन चला गया निजामुल मुल्क, ठीक है? ये तो बातें बिल्कुल सही है। वह समझाता रहा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को, और उसके बाद, अगर मोहम्मद शाह बहुत ही ज्यादा आलसी व्यक्ति था और निजामुल मुल्क उसे समझा नहीं पाया, ज्यादा उसे उत्तरदायित्व दे नहीं पाया, समझा नहीं पाया कि देश और समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, शासन के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, उसने मोहम्मद शाह को, मोहम्मद शाह रंगीला वो समझा नहीं पाया। अंततः निजामुल मुल्क उसका वजीर का पद छोड़कर दक्कन चला गया। तो यह बातें तो सही है, ठीक है? दूसरा देखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मुगल सेना को परास्त किया था। बिल्कुल, मुगल सेना को परास्त नहीं किया था भैया, मुगल सेना को परास्त नहीं किया था, इसने मराठों को परास्त किया था। तो 1 तो सही है, लेकिन विकल्प 2 जो है आपका गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, बस 1 या 2 टेस्ट सीरीज की बात है, अगली सीरीज में आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बादशाह मोहम्मद शाह के ढोल पुल
झूलमुलपन रवैया और शक्की मिजाजी से दरबार में निरंतर झगड़े से उबकर मुगल वजीर निजामुल मुल्क ने अपना पद त्याग कर अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का फैसला लिया। भैया पहले तो समझाया निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला को पहले समझाया बुझाया, ठीक है, लेकिन जब देखा कि मोहम्मद शाह किसी काम का नहीं है, वह शक मिजाजी व्यक्ति है, वह निरंतर दरबार में झगड़े हो रहे हैं, वह तमाम तरह के गुट हैं और गुटों के प्रभाव में मोहम्मद शाह रंगीला आ जा रहा है, उसके बाद वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वजीर का पद त्याग कर दक्कन की तरफ चला गया। तो 1722 में वह वजीर बना था, अक्टूबर 1724 में अपना पद त्याग कर दक्कन में हैदराबाद रियासत की नींव डालने दक्षिण चला गया। अतः कथन एक सही है। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। नादिर शाह के पहले तो नादिर शाह का अटैक हुआ था 1739 में, आपको पता है 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था, ठीक है, और उसी का उत्तराधिकारी था अहमद शाह, जिसने अटैक किया था 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में, ठीक है। तो अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक था। इसने मुगल साम्राज्य में खासकर दिल्ली मथुरा कई बार लूटपाट की थी, 1748, 1749, 1752 कई बार उसने लूटपाट किया था अहमद शाह अब्दाली ने। इसने अपने स्वामी के मरने के बाद अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त कर ली। इसने 1761 में मराठों को पानीपत के तीसरी लड़ाई में हराया था। जनवरी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है और इसमें मराठों की बिल्कुल हार हो जाती है। इस हार से मराठों की इस महत्वाकांक्षा को बड़ा धक्का लगा, वे मुगल बादशाह पर नियंत्रण रखेंगे, देश पर अधिपत्य कायम करेंगे, ऐसा इनका जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था? मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह दूती, इसे हम बहादुर शाह जफर भी बोलेंगे, तो विकल्प दो जो है वह आपका सही है, ठीक है। प्रश्न चार देखिएगा, इसमें आपका व्याख्या नहीं है। प्रश्न चार देखिएगा, निजामुल मुल्क आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निजामुल मुल्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें। तो निजामुल मुल्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। तो उसने हैदराबाद की स्थापना की, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा में उसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कर दी। देखिए वह बनावटी रूप में मुगल सत्ता को मानता रहा, मुगल बादशाह को मानता रहा, ठीक है, लेकिन उसने खुलेआम घोषणा नहीं की थी। इसने निजामुल मुल्क ने, ठीक है, इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाई, बिल्कुल चलाई थी। इसकी मृत्यु के बाद कर्नाटक के नायब सूबेदार ने स्वयं को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने पद को वंशानुगत बना दिया। देखिए निजामुल मुल्क ने तो स्वतंत्र सत्ता नहीं स्थापित की, ठीक है, वह कुल मिलाकर मुगलों के अधीन रहा और मुगलों के स्वामित्व को माना, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद कर्नाटक का नायब सूबेदार स्वयं को दक्कन का नवाब घोषित किया और अपने पद को वंशानुगत बना दिया, ठीक है। तो यह भी सही है, लेकिन कौन सही नहीं है, यही विकल्प दो, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की, इसको दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ, ठीक है। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं किया, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। देखिए व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया, फॉर्मेलिटी निभाया, लेकिन खुलकर उसने ये नहीं कहा कि वह मुगलों के अधीन नहीं है। उसने दक्कन में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर व्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया, अपनी सत्ता की को मजबूत बनाया। कर्नाटक मुगल दक्कन का एक सूबा था, ठीक है, कर्नाटक जो था मुगल दक्कन का सूबा था और इस तरह से हैदराबाद के निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। देखिए हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ही कर्नाटक भी आता था, लेकिन जैसे ही आसफ जाह मर गया, चिंकली खां मर गया, उसके बाद कर्नाटक के नवाब ने स्वयं की अपनी सत्ता स्थापित कर ली, ठीक है, मगर व्यवहार में जिस तरह से निजाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, ठीक है, उसी प्रकार निजाम मुल्क की मृत्यु के बाद कर्नाटक का नायब सूबेदार भी कर्नाटक का नवाब कहा जाता था और अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशानुगत बना दिया, ठीक है। प्रश्न पांच देखिएगा मित्र, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम क्या है? बताना है सही कालानुक्रम क्या है। तो देखिए मुर्शीद कुली खां पहला नवाब, मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन आता है, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज आता है, सरफराज के बाद अलीवर्दी खां आता है, अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। कुल मिलाकर कौन किसके बाद नवाब बना ये आपको बताना है। तो इन चारों में से यह विकल्प दो जो है वह आपका सही है, दो बीच में यहाँ पर सरफराज भी आता है, लेकिन यहाँ इन चारों में ही केवल देखना है, ठीक है, तो बी जो है आपका सही है।
यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन क्या है, मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। 1717 में बंगाल का सूबेदार कौन बनता है? मुर्शिद कुली खां बनता है, मगर वह वास्तविक संस्थापक 1700 से ही था। देखिए 1700 से ही, 1700 में तो मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार बनता है, लेकिन 1717 में पूरी तरह से वह बंगाल का सूबेदार बन जाता है। और 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है 1727 में, ठीक है। और उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है, 1727 से लेकर 1739 तक रहता है। फिर 1739 से लेकर 1739 में ये बनता है, क्या बोलते हैं, 1739 में बनता है। फिर 1740 में गिरिया का युद्ध होता है, और गिरिया का युद्ध होता है सुजाउद्दीन, क्षमा करिएगा, हाँ बताऊं, 1727 से 1739 तक सुजाउद्दीन बनता है, और 1739 से 40 तक सरफराज बनता है, और 1740 में आपका गिरिया का युद्ध होता है, और गिरिया के युद्ध के पश्चात अलीवर्दी हाँ बंगाल का नवाब बनता है। तो देखिए 1739 तक शासन किया, उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खां नवाब बन गया। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का ही उत्तराधिकारी था, ठीक है। तो धोखा किसने दिया था? सबसे पहले धोखा तो अलीवर्दी खां ने दिया था भाई, वह जिसके अधीन था उसने सरफराज को मारकर गद्दी हासिल कर ली, तो वही अलीवर्दी खां के नवासे सिराजुद्दौला के साथ हुआ। सिराजुद्दौला को भी मारकर मिर्जाफर ने गद्दी हथिया ली, इसमें गलती क्या है भैया? तो लोग तो भाई मिर्जाफर को ही बस गद्दार बोलते हैं और अलीवर्दी खां को बहुत बड़ा वो समझते हैं। अरे अलीवर्दी खां ने भी वही काम किया, अलीवर्दी खां ने भी जिसका नमक खाया था उसके साथ नमक हरामी किया था, उसने भी किया था, ठीक है। बंगाल का नायब सूबेदार था, बंगाल का ही एक अलग, बंगाल से ही एक अलग होकर अलग छोटा सूबा बना था बिहार, और बिहार का नायब सूबेदार था अलीवर्दी खां, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम भी बनाया है, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए भी टेलीग्राम बनाया गया है, आप लोग उस दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट की एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, 2199 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, कम से कम 3500 से लेकर 3500 एमसीक्यू फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को मिलेगा, हैंड रिटन नोट, पीडी नोट, लेक्चर वीडियो, सब कुछ आपको मिलेगा। जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। धन्यवाद आप लोग को।